अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों इस टाइम मैं खड़ा हूँ मास्टर केज में। मैं आया था सिंच को देखने के लिए, जिससे कल उड़ा नहीं था जा रहा, तो मैंने सोचा उसको देखते हैं, उसकी प्रोग्रेस देखते हैं कि उसने उड़ना स्टार्ट किया है या नहीं। तो वो मुझे खैर सही से नजर नहीं आई, क्योंकि वो पता नहीं किधर उधर छुपी हुई है। लेकिन दोस्तों गेस व्हाट, मुझे मास्टर केज में क्या नजर आया, ये देखे दोस्तों हमारे बटेर के अंडे, सॉरी एक अंडा, ये देखे दोस्तों। और इसका कलर कितना प्यारा है दोस्तों, ऐसे मैला कुछ ऐला सा, लेकिन दोस्तों ये अंडा बहुत प्यारा है। और अब मैं देखने लगा हूँ इसमें कि इन्होंने इसमें अंडा नहीं, दोस्तों इसमें कोई अंडा नहीं है। ये मैंने रखा था बॉक्स यहाँ पे, इसमें मैं यही लेके आया था दोस्तों, इसमें ये रेत लेके आया था और ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, और ये छोड़ के मैं चला गया बाहर। तो यहाँ पे पड़े पड़े इन्होंने इसके अंदर शिट बच गया, इसके अंदर अंडा दे दिया। तो दोस्तों अब मैं क्या सोच रहा हूँ, हम इसको पकड़ेंगे, इसको लेके जाएंगे ऊपर, ऊपर जाके हम देखेंगे वो जो अंडा रखा था कबूतरों के नीचे इतना बड़ा, देखेंगे उसके अंदर अगर हमें कुछ लाइनें वगैरह या कुछ प्रोग्रेस वगैरह नजर आई कि हाँ इसमें बच्चा बनने के चांसेस हैं, तो दोस्तों उसको हम उसी के नीचे रहने देंगे, तो इसको वापस जाएंगे। अगर उसके अंदर इन केस हमें ऐसा कुछ चांसेस नज़र नहीं आएंगे, फिर हम इसको उसके नीचे रखेंगे और उस अंडे को हम वहाँ से हटा देंगे। इनकी भी टेंशन है कि इनके अंडे पता नहीं कब आएंगे। हेलो बच्चों, दोस्तों माशाल्लाह दोनों मेल एक साथ बैठे हुए हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, इनका कलर कितना प्यारा है दोस्तों। हेलो महबूबा, कैसी हो? दिलबर कैसे हो? तो दोस्तों हम दूसरी फिंच को देख लें, वो किधर है, काफी टाइम से मुझे नजर ही नहीं आ रही कि वो पता नहीं किधर है। मोहम्मद वसीम आप किधर आ गए हो, आज आजो आजो। ये देखिए दोस्तों मोहम्मद वसीम भी मास्टर केज में पहुंचा है। वसीम ऊपर चले, डॉगी से मिलने, छोटे बच्चों से मिलने, पप्पी से, नहीं नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, ये गंदी, नीचे फेंक दो, नीचे फेंक दो, गंदा। ऊपर चले, पप्पीज के पास चले, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, ए इधर इधर, ठीक है ऊपर चले, पप्पीज के पास जाना है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ अभी वसी जाना चाहे तो मैं सोच रहा हूँ कि हम मोहम्मद वसी को लेके चलते हैं ऊपर और पप्पीज से इसको मिलवाते हैं, और साथ हम अंडे को भी ले चलते हैं और ऊपर जाके बाकी बच्चों को खोलते हैं। लेकिन फिंच को जाने से पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि मुझे वो नजर नहीं आ रही, पता नहीं वो किधर है। ये बैठी हुई दोस्तों माशाल्लाह, क्योंकि अभी मैंने नीचे बैठे हुए देखा है, एक वहाँ पे बैठी हुई है दोस्तों, वो दूर दोस्तों, ये एक पेयर यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये मेल को क्या हो गया, मेल वैसे मेरा ख्याल है बैठा हुआ है, और एक ये बैठा हुआ है, और इसका मेल पता नहीं किधर है दोस्तों, इसका मेल भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो उसकी के साथ बैठा हुआ है दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे दो बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, और दोस्तों इनकी मेरा ख्याल आपस में दोस्ती वगैरह होगी। इस अंडे को हम रखते हैं इसमें और इसको पकड़ लेते हैं यहाँ से। हाँ जी हाँ जी, आज आप लोगों की डिवॉर्मिंग भी करनी है, मैं आ रहा हूँ वापस। दोस्तों आज इनकी डिवॉर्मिंग भी करनी है, इन सबको हमने मेडिसिन देनी है। मैं और वसी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वहाँ पे सुभान पपीज़ को खोल रहे हैं, सारे पपीज़ बाहर आ गए हैं। आज मोहम्मद ये लो, आज फर्स्ट टाइम मोहम्मद वसी पपीज़ से मिलने जा रहे हैं। हाँ जी वो हैं पपीज़, बुलाओ इनको। पपीज़ इधर आना स्टार्ट हो गए हैं और वसी अब उधर जा रहे हैं, ये पहुँच गए। क्या हुआ वसी? कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं कहते। वसी के पास, वो वसी के पाँव के पास आ गया। ये देखो मोहम्मद, आ जाओ आ जाओ, पकड़ लो वसी, आ जाओ मोहम्मद वसी, आ जाओ आ जाओ वसी, आ जाओ। वो ऊपर उधर नहीं जाना दोस्तों, वसी उधर जाने लगा था। ये लो वसी, ये लो पपी ले लो, वसी ये लो पपी ले लो, आ जाओ आ जाओ, ले लो पकड़ लो वसी, पकड़ लो इसको, पकड़ लो यार, पकड़ लो वसी का डर लग रहा है, पकड़ लो, ये लो ये लो ये लो, पकड़ लो पकड़ लो, कुछ नहीं कहता, पकड़ लो, ये पकड़ लिया, ये पकड़, ओए पकड़ लो, आ जाओ पकड़ लो, आ जाओ पकड़ लो। अब वसी को पता चल गया ये कुछ नहीं कहता, ओए नहीं आराम से पकड़ते हैं बेटा, ऐसे थोड़ी खींचते हैं, ऊपर से क्लैपिंग कर रहा है। इसके भी कान खड़े हो गए हैं, इसके भी कान खड़े हो गए हैं, और मुझे एक कमेंट भी आया था कि इनके कान खड़े होने से क्या होता है। इनके कान खड़े होने से कुछ नहीं होता, बस इनकी ब्रीड का पता चलता है कि ये अच्छी ब्रीड में है। और अक्सर ऐसे भी डॉग्स हैं जिस तरह लेब्राडोर है या और भी ब्रीड्स हैं जिनके कान नीचे ही रहते हैं,
वो भी अच्छी ब्रीड होती हैं, लेकिन इनके माँ बाप के कान खड़े हुए थे, तो मुझे बस ये था कि इनके भी जल्दी जल्दी कान खड़े हो जाएं, इनकी खूबसूरती में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। सिर्फ इसमें ये लॉजिक था, कोई हैवी लॉजिक नहीं है कि इनके कान खड़े हो रहे हैं। अब तो फीमेल दोनों के खड़े हो गए हैं, इसके भी खड़े हो गए हैं, इसके भी खड़े हो गए, और इसके यहाँ पे कलर भी है ऊपर अपनी माँ की तरह का ब्राउन ब्राउन। क्या हुआ बसी? कुछ भी नहीं हुआ, डर गया यार। सब एकदम से बाहर आए हैं और मोहम्मद बसी डर गए। ये एक कबूतर आ गया हमारा वापस, तीन आ गए, चारों आ गए। हाँ, चारों कबूतर। दोस्तों माशाल्लाह से हमारे चारों कबूतर भी वापस आ गए हैं। डक्स को खोला है और बसी डर गया। क्या होगा बेटा, डर गए थे आप? दोस्तों आज बसी का दिल कर रहा है मैं सारे कबूतरों को बार बार पकड़ूं और बार बार छोड़ूं, तो एक काम करते हैं, हम कबूतरों को खोलते हैं और साथ वसी को देते हैं ताकि वसी बार बार कबूतरों को उड़ा सके। ओ, इसके अंदर अंडा 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 अंडा। दोस्तों इसके अंदर अंडा था, एकदम से वो ऊपर चढ़ गई। इसको हम रखते हैं साइड पे ताकि उसकी नज़र ना यहाँ पे पहुँचे। और ये देखे कहाँ तक आ गया दोस्तों, ये देखे कहाँ तक आ गया। इसको मैंने यहाँ पर नहीं था छोड़ा। आज आज मुझे पता है अब तुम चल लोगे। आ जाओ, ये लो ये लो, चलो अब खुद ही थोड़े से चलने की कोशिश करो, जल्दी से चल पड़ोगे। तो दोस्तों माशाल्लाह वसी ने सारे कबूतरों को अपने हाथों से छोड़ा है और अभी भी कह रहा है, ये देखे उस साइड पे जा रहा है कि कबूतरों को लेके आओ, मैं बार बार बस मैं छोड़ता रहूं। तो अंदर तो ख़त्म हो गए हैं जितने कबूतर थे, सारे वसी ने खोल दिए हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह से कबूतर सारे बाहर आ गए हैं, इनको दाना पानी देते हैं और अंडे को हम देखते हैं। अंडे को भी अंदर लेके चलते हैं यहाँ से, पहले हम इनको दाना दे लेते हैं। बस यहाँ से ही गिरे ना, ये थोड़ा सा पकड़ा, ये लो खाना स्टार्ट करो तुम लोग, ये लो। तो अब लेके चलते हैं हम अंडे को अंदर। वसी ये देखो छोटा सा एग, ये देखो वसी, माशाल्लाह वसी सब परिंदों के अंदर घूम रहे हैं। तो इसको हम लेके चलते हैं अंदर। हेलो रैबिट, ये चला गया अंदर। तो सर रैबिट यहाँ पर बाहर आया हुआ था, इसको हम देखते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए हमें कैमरे को बंद करना पड़ेगा और लाइट से देखना पड़ेगा। सुभान नहीं है, नहीं तो सुभान ने इसको देख ले। तो जी दोस्तों इस अंडे को मैंने देखा है, इसमें मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब इस अंडे को हम पकड़ते हैं और इसके नीचे रखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अंडे को रख दिए, तो अब देखते हैं फीमेल या मेल इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। नो 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 बसी नो। इनके काम देखें दोस्तों, इन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं और इधर पहुंचे हुए हैं गंदे बच्चे। इनको अब देते हैं दाना क्योंकि इनसे वेट नहीं हो रहा, फिर इनके लिए लेके आते हैं पानी। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये लो बच्चों, ये लो खा लो। चलो ओए नहीं इसको नहीं फाड़ यार, भाई इसको नहीं फाड़। दोस्तों इनको तो दे दिया, ये लो कबूतरों आप लोग भी ले लो। ओए दोस्तों आज तो सारा दाना मेरे से गिर गया एक दफ़ा में, ये देखे इनके काम, ये जंगली हो गए, इन्होंने शॉपर फाड़ दिए। ये लो कबूतरों, इन्होंने शॉपर फाड़ दिया दोस्तों। पकड़ लो इसको। दोस्तों एक पपी खुद ही बाहर आ गया, जाओ वसी पकड़ लो उसको, जाओ पकड़ लो। और इनके काम देखे जिन, चलो चलो नीचे नीचे, खाने को नहीं मिल रहा दोस्तों। नीचे भी इतना ज्यादा दिया हुआ है लेकिन ये नीचे खा ही नहीं रहे। दोस्तों इन सबको पालक इतनी पसंद है, जैसी मैं लेके आया हूँ, ये देखे दोस्तों इनकी, ये देखे कैसे खा रहे हैं।
सारे माशाल्लाह से आ गए हैं खाने के लिए, खास तौर पे मुर्गियाँ। ये लो वहाँ जाके खा लो। रैबिट्स किधर हैं? रैबिट ये अब जाएगा उधर, ये भी खाने जा रहा है। जाओ खा लो भाई खा लो, और दे देते हैं। ये लो खा लो खा लो। उई लड़ाई हो गई उनके आपस में। दोस्तों उस डक ने रैबिट को मारा है। ये लो यहाँ से आके खा लो। दोस्तों माशाल्लाह से रैबिट कितने मजे से खा रहे हैं और वसी आगे इनको पकड़ने लगे। वसी क्यों डिस्टर्ब किया बेटा? नो 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 नो। दोस्तों इसके काम देखे, वो बेचारे पानी नहीं पी पा रहे। इधर आओ इधर आओ इधर तो आओ, बात तो सुनो। नहीं इसने अपनी मस्ती करनी है, सारा उनका पानी वेस्ट कर दिया। ओए नहीं जेल सुभान। दोस्तों सारा उनका पानी, शुक्र है मैंने थोड़ा सा और दिया था उस साइड पे, इसने सही से पानी नहीं पीने दिया। बेटा टूट जाएगी, आप नीचे फेंकोगे तो टूट जाएगी। इधर आ जाओ मेरा बेटा। दोस्तों इसकी जिद देखे, बस कह रहा है कि मुझे छोड़ दो मैं इनको तंग करूं। बस ये टूट जाएगी, सोने ये टूट। इसको मैं उठा ही लेता हूँ। ये लो मैंने उसको उठा लिया। यार क्या कर रहे हो? ये लो ये ले लो। दोस्तों इस अंडे को हमने दोबारा से देखा, ये अंडा हो गया ख़राब। हाँ जी एक मिनट ये टूट। दोस्तों अलग ही मस्ती में आज बसी। दोस्तों अंडे को गौर से देख रही है और बार बार उसके पास से आ रही है, उसको मुंह मार रही है। जैसे ही मैं पास आया हूँ ये साइड पे हो गई है, तो हमें कल तक पता चलेगा ये इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं। अगर ना एक्सेप्ट किया तो इस अंडे को हम वापस नीचे ले जाएंगे। तो दोस्तों रैबिट हमारे वहाँ पर छुपे हुए हैं साइड पर, तो इनका भी कल सेटअप लगाएंगे इस जगह पर। दोस्तों मैं इस कॉर्नर में सोच रहा हूँ कि इनका सेटअप हम यहाँ पर करते हैं। अब आ रही है आपकी मेडिसिन की। दोस्तों ये गुस्सा करती है जब इसको ऐसे मेडिसिन खिलाए। इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, सुनो आ जाओ आ जाओ, इधर रुको। उए उए। पीछे वाले नाखून मार दिए। पी लिया ना? पी लिया। चलो सुनो ऑफिस चले जाओ। दोस्तों ये किसी तरीके से तंग करती है हर दफा। अब बारी है हमारी पहला की। ये आ गई नीचे। आ जाओ मेडिसिन टाइम मेडिसिन टाइम। चलो पी जाओ। चल चल चल, चल। गले में रख लिया इसने। पी जा, गले में रख के बैठ गया। हाँ अब ले गया, बस अब मुंह साफ कर लेगी। चलो बेला में पी लिया। नहीं, नहीं। बच्चा भी आ गया। ये ज़्यादा तंग करेगा। माइकल? हाँ। नहीं। क्या तंग किया? मुझे तंग कर। मिनट में पी गया। मुझे तंग कर। बच्चे को भी पिलाने? हाँ? बच्चे को भी पिलाने? हाँ, लेकिन उसको थोड़ा पिलाने। एक मिनट। ये देखा? ये तंग करेगा। देखा? ये तंग करता है। चलो रॉकी भाई, वो नीचे वाला भी तंग करेगा। गब्बर गब्बर इज बैक। गब्बर का नाम मेरा दिल है, स्नोबेल रख देते हैं। स्नोबेल दोस्तों एक ही था जो चला गया। नहीं आगे किसी का भी नाम रखना। मैंने स्नोबेल किसी का नाम भी नहीं रखना। मैं तरीके से लेके आ रहा हूँ, ये तंग करेगा। ये देखा ये, देखा। ये पीछे वाले पाँव मारते। इसको तरीके से पकड़ना पड़ेगा। चलो भाई सीधी तरह ये हम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती करना है, वैसे मारेगा पीछे। नहीं मारता, छोड़ दे भाई, ये खुद ही पिएगा। मैं पिलाऊंगा एक बार। चलो पिला, तू मेरी हेल्प ना कर। ये देख डन। ये देख कबर नो कैसा ये आपने ये जबरदस्ती नहीं थी। जबरदस्ती नहीं थी, जिस तरह तू पकड़ा था उस तरीके से ज्यादा ट्रिपल ट्रिपल जबरदस्ती थी। तो दोस्तों डिवॉर्मिंग कर दी है हमने अपनी कैट्स की। अगर किसी के पास कैट्स हैं और उसको नहीं पता कि डिवॉर्मिंग क्यों और किस लिए करते हैं, दोस्तों डिवॉर्मिंग इसलिए करते हैं ताकि इनके पेट के कीड़े मार सकें और इनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो ये महीने में एक दफ़ा हमें ज़रूर करनी होती है। और अगर किसी को नहीं पता इसका नाम, तो दोस्तों ये है, इसका नाम है फेंजोल।
FENZOLE फेंजोल 10% इसका नाम है। तो ये आप महीने में बड़ी कैट को 4cc, छोटी कैट को 2cc तो आप उसको दे सकते हैं, इससे आपकी कैट हेल्दी और एक्टिव रहेगी। तो दोस्तों फेंजोल। तो जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और हमारे चैनल जो लाइफ को सब्सक्राइब भी कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।